स्त्री काल रात्रि देवी। आइए सज्जनों, श्री माँ काल रात्रि की कथा शुरू करें। माँ दुर्गा जी की सातवीं शक्ति काल रात्रि के नाम से जानी जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके तीन नेत्र हैं, ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निस्तृत होती रहती हैं। इनका वाहन गर्दभ गधा है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग कटार है। माँ काल रात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली है। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकरी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार भी भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। श्री दुर्गा पूजा के सातवें दिन माँ काल रात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ काल रात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य का वह भागी हो जाता है। उसके समस्त पापों विघ्नों का नाश हो जाता है। उसे अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। माँ काल रात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव दैत्य राक्षस भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली है। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। माँ काल रात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एक निष्ठ भाव से उनकी उपासना करनी चाहिए। यम नियम संयम का उसे पूर्ण पालन करना चाहिए। मन वचन काया की पवित्रता रखनी चाहिए। वह शुभंकरी देवी है। उनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती। हमें निरंतर उनका स्मरण और ध्यान पूजन करना चाहिए। जय माँ काल रात्रि।